तरंग को इस बात की तकलीफ नहीं थी कि उसकी महबूबा का रिश्ता किसी और के साथ था, बल्कि तकलीफ इस बात की थी कि इस रिश्ते से तरंग का कोई फायदा नहीं हो रहा था योर ऑनर, कोई फायदा नहीं हो रहा था। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। जाता कहाँ इस साले कुत्ते, गले में पट्टा क्या बांध लिया, कुत्ते की तरह भौंके ही जा रहा है, भौंके ही जा रहा है कुत्ते। तेरी तो कैसे हो सर? में थोड़ा सा दर्द है बस। तुम्हें कुछ याद है अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया? मैंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी ना राज? तुमने जो भी किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अदालत ने तुम्हें बरी कर दिया, अब तुम आजाद हो। बस तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हें अस्पताल में रहना होगा। थैंक यू राज, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। राज तुम मेरे लिए भगवान। अरे क्या कर रहे हो तुम? सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो और जीत हमेशा सच की होती है। बस तरंग बस, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं अस्पताल में मिलना आया करूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना, ओके? चलो राज। यप। भुल्लर साहब की गर्दन, वो भी ठीक है ना? मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कह दोगे? कह दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो जब भी दौरा पड़ता है तो कुछ याद नहीं रहता ना, फिर तुम्हें यह कैसे याद है कि तुमने भुल्लर साहब की गर्दन दबाई? तरंग मैं कुछ पूछ रहा तुमसे। टू मैनी क्वेश्चंस राज, गो होम, एंजॉय योर सक्सेस, चिल आउट। ऐसे क्या देख रहा है बेकाले कोट? कौन हूं मैं, तरंग या रंजीत? तुझे किससे मिलना है? तरंग से, रंजीत से, या दोनों से? राज साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझे आजाद करवा के आपने अपनी शोहरत के डंके बजवा लिए। अब घर जाके सो जा, ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश मत कर, वरना रंजीत और तरंग के भंवर में ऐसा फंसेगा कि डूब के मर जाएगा। क्यों, 440 वोल्ट का झटका लगा? पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इस बीमारी का सहारा नहीं लेता तो क्या करता? बड़े बूढ़े कहते हैं ना, कोई भी ज्ञान कभी जाया नहीं जाता। साली बरसों पहले गांव की लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी थी, स्प्लिट पर्सनालिटी पे। कहां जाके काम आई।
सोच रहा होगा कि ये सारी बातें मैंने तुझे क्यों बताई। सरगम बहुत तारीफ करती है तेरी, बता रही थी कि मेरा केस लड़ने के लिए फीस तक नहीं ली तूने, क्यों? सरगम को मैं अपनी बीवी मानता हूं, उसकी तरफ कोई नजर उठा के भी देखता है तो पागल हो जाता हूं मैं। 56 बार चाकू चल जाता है और पता तक नहीं चलता मुझे। तू शरीफ आदमी है इसलिए। ए, समझ गया ना? दूर रहना उससे। अच्छा राजबाबू, ऐसा लगा आपको सर? बीमारी समझ लीजिए, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कत्ल करने के लिए कोई भी वजह जायज हो सकती है क्या राज? ऐसे क्या देख रहा है बेकाले कोट? कौन हूं मैं, तरंग या रंजीत? सरगम को मैं अपनी बीवी मानता हूं, उसकी तरफ कोई नजर उठा के भी देखता है तो पागल हो जाता हूं मैं। कांग्रेचुलेशंस वंडरफुल वेल डन राज, वंडरफुल जॉब राज, कम ऑन राज, कम ऑन राज, आज तुमने प्रूफ कर दिया यू आर द बेस्ट लॉयर इन द सिटी। यस यस, सारे अखबारों में तुम्हारे फोटो छपेंगे, इतनी चर्चा होगी कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। वेल डन बॉय, वेल डन। Well, let's begin. राज, बेटे क्या हुआ तुम्हें? खुश होने के बजाय तुम, आज तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हुई है ना? जीता नहीं हूं मां, हार गया हूं। जिंदगी में पहली बार हार गया हूं मैं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो राज? आज तो तुमने एक निर्दोष की जिंदगी बचाई है। वो निर्दोष नहीं है मां, उसने सोच समझकर पूरे होशो आवास में ठंडे दिमाग से वो खून किया है और मैं उसे पहचान नहीं सका।